तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए लौकी और चने की दाल की सब्जी। और ये इतनी टेस्टी बनेगी ना कि बच्चे को लौकी ढूंढना पड़ेगा पर उसे मिलेगा नहीं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो फिर मैं चलती हूँ अपनी किचन में। यहाँ पर मैंने लिया है लौकी। अब इस लौकी को मैं अच्छे से छील लूँगी। ये देखिए, अब मैं इसे काट लूँगी। छोटे छोटे टुकड़ों में हमें इसे काटना है। ये देखिए, ऐसे जैसे हम नॉर्मल लौकी काटते हैं वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप लौकी को काट लीजिए। ये हो गया मेरा लौकी। ये देखिए, ऐसे काटने हैं आपको। ये देखिए, अब ये देखिए मैंने लौकी काट लिया और यहाँ ले लिया मैंने 5-6 टमाटर। इसे भी मैं बारीक काट लूँगी। तो ये ले लिया मैंने कुकर। अब इस कुकर में मैंने डालना है पानी। पानी आपको आपके दाल के अकॉर्डिंग ही लेना है। ये देखिए, मैंने ले लिया है वाटर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारी जो मैंने भिगा के रखी थी 15 से 20 मिनट चने की दाल। तो ये मैंने ले लिया है चने की दाल, डाल दिया है। अब मैं इसमें चॉप्ड किए हुए लौकी डाल दूंगी। ये देखिए, और अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारे चॉप्ड किए हुए 5-6 बड़े टमाटर। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें। अब जैसे हम नॉर्मल दाल पकाते हैं वैसे ही पकाना है दोस्तों इसे। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे नमक। हम नमक और हल्दी दोनों हमें ऐड करना है। यहाँ पर मैंने हल्दी और नमक दोनों ऐड कर दिया है। ये देखिए, दोनों को अच्छे से आप ऐड कर दीजिएगा और ढक्कन लगा के इसे नॉर्मल दाल को जैसे बनाते हैं वैसे हम सीटी लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरा दाल हो चुका है। अब मैंने इसे बर्तन पे निकाल लिया। मैं इसे अच्छे से मैश लूँगी। हमारी जो पाव भाजी, जो भाजी मेशर है उससे मैं अच्छे से इसे मैश कर लूँगी ताकि ये टमाटर, लौकी, जितने भी दाल हैं खड़े होंगे तो थोड़े वो एक दूसरे पे मैश हो जाएंगे। ये देखिए, अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, अब मैं लेती हूँ एक कढ़ाई और उस कढ़ाई पे मैंने ले लिया है तेल। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा ऑयल लेना है अच्छा सा तो आप ज़्यादा लीजिए, अगर कम ऑयल में बनाना है तो कम लीजिएगा। यहाँ ज़ीरा डाल दूँगी। ये ज़ीरा लिया मैंने 1 टीस्पून। ये देखिए, अभी ज़ीरा हो गया। मैं यहाँ प्याज ले लेती हूँ। ये मैंने ले लिया है प्याज, एक बड़ा कटा हुआ चॉप्ड बारीक कटा हुआ प्याज लिया है मैंने। अब मैं इसे अच्छे से भूंज लूँगी। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी हमारे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, ये मैंने अदरक और लहसुन को मान दस्ताने में कूट लिया है। अब मैंने उसका पेस्ट डाल दिया है। ये देखिए, अब मैंने अच्छे से चलाना है। अब मैं इसे इसमें डालूंगी हरी मिर्च, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने लिया है। उसे अच्छे से मैं उसे भी भूज लूँगी। ये देखिए, इसे भी आप अच्छे से भूज लेंगे। ये देखिए, अब ये हो गया है। ये देखिए, अब धीरे धीरे हमारा अनियन का जो कलर है वो चेंज होते जा रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें डाल लूँगी अपना लाल मिर्च। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है ये मैंने 1/2 टीस्पून करीब डाला है। कोरिएंडर पाउडर डाल दूँगी। ये देखिए, धनिया पाउडर डाल दिया मैंने। और एक मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी इसमें। हल्दी क्योंकि ऑलरेडी हम दाल में डाल चुके हैं इसलिए आप हल्दी बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा। और नमक मैंने लिया है 1/4। ये नमक मैं ऑलरेडी दाल में डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए, अदरवाइज़ आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये मैंने हल्के से कलर के लिए डाला है कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए, अब मेरे मसाले अच्छे से भूंज गए। ये देखिए, अब मसाला हो चुका है। मैं हल्का सा गरम मसाला डालूंगी। मीन्स मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है। मसालों की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, आपको कितना तीखा खाना है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा दाल ऐड करिएगा धीरे धीरे ताकि आपके ऊपर ना उछले। ये देखिए, ये अब मैं इसे पूरा डाल दूंगी। ये मैंने दाल ऐड कर दिया। ये देखिए, क्या शानदार कलर आ गया है। ये देखिए, अब बच्चा भी इसे बहुत अच्छे से खाएगा क्योंकि इसमें लौकी सब कुछ मैश मैंने कर दिया, टमेटो, और ये बहुत हेल्दी भी हो गया है।
तो ये अब मेरे देखे बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, मैंने ये मेरी दाल अब उबलना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। ये देखिए ये कसूरी मेथी भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, अदरवाइज़ आप इसके स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी लेमन। ये लेमन मैंने अभी डाला है, आप चाहे तो खाना खाते समय दाल के ऊपर आप डाल के खा सकते हैं। इसे मैंने अभी यूज़ कर लिया है, ये देखिए अभी भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी लौकी के दाल में। अब मैं इसमें देखिए हमारे कितने अच्छे से हो चुका है, मैं इसमें हरी धनिया चॉप्ड करी हुई डाल दूँगी। तो अब मेरा ये दाल यहाँ पर बन चुका है, ये देखिए आप कितना सुंदर सा दिख रहा है। अब इसे आप चावल रोटी के साथ खाइएगा, कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा कैसी लगी।